हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल इमिग्रेशन। और ये जो वीडियो है इस तहत पे है कि आपको हम अवेयर कर सकें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इमिग्रेशन में ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, या फिर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर हमारा ये एफर्ट होता है कि आपको जो है बिल्कुल क्लैरिफाई और एक जस्टिफाई कर दें आपके ही करियर प्लान्स के तहत। सो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी कि जब किसी का रिफंड कराना होता है, जब रिफ्यूज़ल आता है, तो कैसे सिनेरियो में आपने कैसे प्रोसीड करना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होती हैं, नंबर ऑफ़ क्वेरीज होती हैं, एक कैश लेटर होता है हमारा, ठीक है, केप्स नोट होती है, तो केप्स नोट निकलवानी होती है अगर किसी का रिफ्यूज़ल लेटर आ जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या होता है कि एजेंट कह देते हैं कि आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है, एंड वो मान लेते हैं, उसकी कोई डिमांड नहीं रखते कि हमारा रिफ्यूज़ल हमें दो, कि कैसे रिफ्यूज़ल आया, क्या उन्होंने कहा है, वगैरह वगैरह। तो ये बातें नोट करने वाली होती हैं कि आपको जो है आपके केप्स नोट में क्या लिखा हुआ है, एंड अगर आपने रिफ़ंड करना है तो वो आप खुद की तरफ से, खुद से कैसे आप जो है वो सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। सो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा जो टेक्निकल वर्क है वो बताऊंगी इसके रिलेटेड। सो अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज लेनी है, या फिर किसी को ये सेम सिनेरियो में सफ़र कर रहा है, तो ये वीडियो जो है आप एंड तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करती हूँ मैं रिफ्यूज़ल लेटर से, जिसमें आता है हमारा केप्स नोट, जो हमें कैनेडा की तरफ से मिलता है, कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू, कि आपका जो है रिफ्यूज़ल लेटर आ चुका है। कुछ इस टाइप का दिखता है ये कैप्स लेटर जो आपके सामने मैं कह रही हूँ। इसमें आपको जो स्टार्टिंग में बताना होता है कि UCI इसमें होता है आपका यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, जिसमें लिखा होगा नंबर, और उसके ही लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस होगा, एंड प्रोसीडिंग उनके तरफ से क्या है। और जो ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें आपके कैप्स नोट के क्लियर पॉइंट्स हैं कि क्यों वो आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफली सबके सेम ही रीजंस होते हैं, कुछ के एक अदर केसेस होते हैं जिसमें सिमिलर ना हो। और इनका क्या लिखना होता है, ये दो पॉइंट्स मैं आपके साथ क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले पॉइंट है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज स्टिपुलेटेड इन सबसेक्शन 2161 एंड सो ऑन। ऑफकोर्स इन्होंने ये लिखा है कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। एंड सेकेंड में इन्होंने ये लिखा है कि आपकी जो स्टडीज़ हैं, हमें नहीं लगता है कि वो क्वालिफिकेशन, आपकी मार्कशीट, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी जो लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और आपकी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं, वो हमारे प्लान्स को मीट कर पाई हैं। एंड उसके बाद इन्होंने कंक्लूड किया है ये लिख कर कि अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो इस तरह का आपका कुछ केस नोट निकलता है आपकी रिफ्यूज़ल के टाइम। बट ये रिफ्यूज़ल आ चुकी है किस स्टूडेंट की, ऑफकोर्स नहीं बताएंगे, बट रिसेंटली जनवरी में आई है। एंड इसके बेसिस पे जो है कैसे रिफ़ंड जो है आप अप्लाई करोगे, ऑफकोर्स ये किसी और इमिग्रेशन की तरफ से गई हुई एक रिफ्यूज़ल है। एंड इसकी जो रिफ़ंड पॉलिसी हमारी तरफ से आई है, ऑफकोर्स हमने अप्लाई कर दी है, बट आपने अगर खुद जो है अप्लाई करना है वो कैसे करना है। सो बेसिकली जितने भी आपके रिफ़ंड पॉलिसीज होती हैं, उसके लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है जिसमें आपने अपनी GIC भरी होती है। मोस्ट ऑफली हम जो है ICICI की जो बैंक है वो चूज़ करते हैं, क्योंकि वो नेशनली और इंटरनेशनली वर्किंग रिलेशन में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सो ये हमारा जो रिफ़ंड है वो ICICI बैंक की तरफ से है। सो सबसे पहले आपने ICICI पोर्टल में जाना है। इसका जो लिंक है मैं आपको बता देती हूँ, वो है CADIGITAL.ICICIBANK.COM। सिंपल ये है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा GIC रिफंड पॉलिसी का, उसमें आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसमें आ जाएगा ICICI का पोर्टल, पूरा पोर्टल, जिसमें आपने प्रोसीड करना है अपने रिफंड के लिए। उसमें आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, ऑफकोर्स अपने एप्लीकेशन नंबर भरना है, आपका गिवन होगा, और वो पासवर्ड जिसमें आपने अपने बैंक अकाउंट खुलवाने के टाइम पे अपने एजेंट को कहा होगा, या फिर एजेंट ने भरा होगा, या अगर आपने खुद खोला होगा तो वो पासवर्ड आपने जो डिजिटली अपने ऐड किया होगा वो लगेगा। एंड इन केस अगर आपने खुद भी इसका रिफंड के लिए अप्लाई करना है, मेक श्योर जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं GIC की है, जिसमें भी है, जिसमें आपके क्लाइंट ने, आपके एजेंट ने आपके अप्लाई किया था, उसकी सारी डिटेल्स जो है आपके पास होनी चाहिए। सो आपने जब अपना एप्लीकेशन नंबर भरा, उसके बाद
वो उसका पोर्टल जो है वो आपको खुल जाएगा और उसमें सारी डिटेल आ जाएंगी आपकी, जब आपने अप्लाई करने के टाइम पे डाला होगा। जब आपकी वो डिटेल्स आ गई उसमें नीचे आपके तीन ऑप्शंस आ गए जिसमें लिखा होगा रीज़न फॉर रिफ़ंड, और वो तीन ऑप्शन में आपने एक सेलेक्ट करना है, जिसमें एक होगा कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो चुकी है, दूसरा होगा कि आपकी फ़ाइल ही नहीं लगी है और आपने GIC भर दिया है, और तीसरा अदर ऑप्शन में या अदर लिखा होगा या फिर डिटेलिंग, डिपेंड करता है कि इसमें थर्ड ऑप्शन में उन्होंने क्या लिखा है। सो उसमें से कोई भी एक जो है अपनी वीडियो में अपनी डिटेलिंग भरनी है कि हमारा क्या रीज़न है। उसके बाद आपके जो नीचे है वो बैंक डिटेल्स आएंगी जो आपके GIC जो रिफ़ंड के टाइम में जो है वो आपने डाली होगी, और जब आप वो GIC डिटेल डाल दोगे, वो बैंक डिटेल्स डाल दोगे, उसके बाद आपकी जो फ़ाइल है वो डन हो जाएगी। बस इतना सा प्रोसीडिंग होती है, आपकी सारी फाइल्स डन हो चुकी हैं, देन आपकी ICICI की बैंक जब आपने डन कर दिया, वो आप बैंक के पोर्टल के थ्रू ही आपकी जो ट्रैकिंग सिस्टम है स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है कि आपका रिफ़ंड हो चुका है एंड अभी ये स्टेटस है, अभी ये स्टेटस है, ये ट्रैकिंग जो है वो शुरू हो जाती है। ये आपका सक्सेसफुली जो है वो रिफ़ंड केस हो जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ आपको अपनी बैंक की डिटेल्स चाहिए। बट इन एनी केस अगर आपकी रिफ़ंड जो है उसमें कोई एरर आ जाता है, तो उसी आपके पोर्टल में, उसी बैंक पोर्टल में जो है आपकी ईमेल आ जाती है जिसमें लिखा होगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन के कारण आपका जो रिफ़ंड है वो प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, और उसी पोर्टल में मेल आएगी, कोई स्पेसिफाई मेल नहीं आएगी, उसी पोर्टल में आएगी। और उसके बाद आपके चाहे उनको दोबारा ईमेल कीजिए या फिर आप कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए, वो आपकी बात सुनते हैं एंड मेक श्योर वो आपकी बात सुनेंगे ऑफ कोर्स। एंड ये सारी जो बातें हैं आपकी GIC जो रिफ़ंड पॉलिसी है क्लियर करने में हेल्प करती हैं। सो गाइस, जाते जाते मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि केप्स नोट जो हैं वो हर बच्चे को ज़रूरी है जिनका रिफ्यूज़ल आया हो, चाहे एजेंट कुछ भी कहें, आप अपना जो है वो केप्स नोट जरूर निकलवाइएगा। उसमें सच और झूठ का भी पता लग जाता है कि किसने आपकी फ़ाइल लगाई है और किसने नहीं लगाई है या खुद से बना के दे दिया, क्योंकि उसमें आपका UCI नंबर होगा और आपकी एप्लीकेशन नंबर होगी। एंड ऑफकोर्स अगर खुद से आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन डालोगे तो इंटरनेट कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलता। एंड जब आप अपनी GIC खुद भी अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आपके एजेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्या होता है कि कस्टमर्स आते हैं या फिर बच्चे खुद आते हैं तो कई बार वो बिजी भी हो जाते हैं, तो मेक श्योर कई बार अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो अपना GIC अकाउंट से जो आपकी रिफ़ंड की पॉलिसीज़ हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। ये सारी वीडियो GIC के ऊपर थी, बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तब भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।